हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ पहाड़ से जुड़ी हुई एक और रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। ये है कद्दू के पत्ते। जी हाँ, ये आप देख रहे हैं कद्दू के पत्ते। ये मैंने कोमल कोमल कद्दू के पत्ते लिए हैं और ये मैंने उसकी टहनियाँ ली हैं, यानी कि इनको बोलते हैं पहाड़ में कद्दू के टुकड़े। बहुत ही कोमल कोमल हमें इस सब्जी के लिए इनको लेना होता है। और इस तरीके से हमने इसके पार्ट जो चाकू से इस तरह से निकाल लेने हैं। अगर एक बार ये निकल जाए तो सब्जी जो है एकदम सुपर सॉफ्ट बन के तैयार होती है। इस तरीके से हम इनको काटेंगे और इस तरीके से हम खींच के इन्हें निकालेंगे। बीच में से हम इन्हें तोड़ लें और इन्हें अच्छे से हम साफ कर लेंगे। इसी तरह से सारे कद्दू के पत्ते हमने ऐसे ही इनके जालियाँ निकालनी है। जालियाँ नहीं निकलेंगी तो सब्जी सॉफ्ट नहीं होगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, हमने जालियाँ सारी ही निकालनी है। और फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर इसी तरह जुड़े रहिए और अपने पहाड़ी चटकारा को अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। और ये हमने सारे जो कद्दू के बेल से रेसेस हैं हमने निकाल लिए हैं और हम कद्दू के पत्तों को धो के इस तरह से इन्हें बारीक बारीक कट कर लेंगे। यही जो है डंडियाँ कद्दू के बेल की, ये बहुत सॉफ्ट होती है सब्जी बन के। हमने सारे कद्दू के पत्तों को पतला पतला कट कर लेना है। और एक कढ़ाई में हम सरसों का तेल गरम कर लेंगे। उसमें हम दो रेड मिर्ची हम इसमें फ्राई कर लेंगे। इसका जो टेस्ट है काफ़ी अच्छा आता है। और एक लाल मिर्ची को भी कट करके हम इसमें भून लेंगे। साथ ही साथ में इसमें दो दाने हम प्याज को पतला पतला काट के इसमें डाल लेंगे और इसे भून लेंगे। साथ ही साथ में हम इसमें नमक भी डाल लेंगे और इसमें थोड़ा सब्जी मसाला। और इसमें हमने कोई मसाला ऐड नहीं करना है। इसका जो टेस्ट है ऐसे ही मज़ेदार होता है। और इसे हम कद्दू के पत्ते इसमें ऐड कर लेंगे और प्याज और कद्दू पत्तों को आपस में मिला लेंगे और इसे हम ढक देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे और सब्जी को एक बार फिर से हम मिक्स करेंगे। इसे थोड़ा सा और हमने पकने के लिए रखना है। इसे हम थोड़ी देर और इसे कवर कर लेंगे। 15 मिनट बाद हम सब्जी को फिर से चेक करेंगे। ये देखते हैं हमारी सब्जी तैयार हुई है नहीं हुई है। लगभग हमारी सब्जी तैयार हो चुकी है। थोड़ी हम ऐसे ही इसको चला लें और इसे सर्व कर लें। ये सुपर टेस्टी कद्दू के पत्तों की जो सब्जी है बहुत ही मज़ेदार होती है। एक बार आप ज़रूर इसे बनाएं और बनाएंगे तो तभी इसका जो स्वाद है वो आप तक पहुंचेगा। इसका जो खुशबू है, जो एकदम सौंधी सौंधी जो इसकी खुशबू आती है, काफ़ी टेस्टी है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।